नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो आरआरबी जेई है, तो जेई का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर, जो कि लेवल 6 की पोस्ट होती है। इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है आपको। अगर एक सिटी में पोस्टिंग हुई तो आपको 57-58 के समथिंग आपको इसमें फर्स्ट सैलरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 4200 पे ग्रेड की ये पोस्ट होती है। इसका जो सिलेबस है, इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसका क्या सिलेबस आता है। आरआरबी जेई का एग्ज़ाम पास करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने घंटे का होता है, इसमें जो ड्यूरेशन है और नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी होती है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका नोटिफिकेशन है जो जल्दी आने की पूरी पूरी संभावना है आरआरबी जेई का, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें जो आरआरबी जेई का जो सिलेबस है, वो जल्दी ही आपको अनाउंस होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जेई रिक्वायरमेंट 2024, जो कि 7911 पोस्ट पे आने वाला सिलेबस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो ये पोस्ट आने वाली है जूनियर इंजीनियर, साथ ही सेफ्टी और नॉन सेफ्टी की, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो कि डीएमएस होती है, सीएमए की पोस्ट आपकी आने वाली है, तो ये सारी पोस्ट आपकी एक साथ देखने को मिलती है। हो सकता है इसका कम्बाइंड नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि जेई के साथ साथ ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आगे चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपको दो पेपर लगेंगे, जो CBT 1 है और CBT 2 है। इसमें आपका दो पेपर लगता है, CBT 1 और CBT 2। तो इसके बारे में डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। जो इसका आरआरबी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, तो नेम ऑफ एग्ज़ाम भी देख सकते हैं कि जो आरआरबी जेई 2024 है, और इसका वैकेंसी लगभग आपको 8000 के समथिंग आपको इसका वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं कि CBT 1 और CBT 2 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो CBT 1 आपका होता है 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे CBT 1 में, और जो CBT 2 में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये आपका MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ये। तो मल्टीपल चॉइस में आपको ABCD इस तरफ से आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चारों में से आपको एक सही करना पड़ता है। तो इसका MCQ होता है, ना कि सब्जेक्टिव। और CBT 1 में 100 क्वेश्चन और CBT 2 में 150 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, यानी कि जो CBT 1 होगा वो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, और CBT 2 है वो 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है ना, 1/3 रहती है। रेलवे में मैक्सिमम क्या 99% 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि आप 3 गलत करते हो तो आपका एक सवाल ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। इसमें आपका सिलेक्शन की प्रोसेस ये रहेगी CBT 1, उसके बाद अगर आपका CBT 1 क्लियर होता था, आपको CBT 2 में प्रवेश करना होता है। CBT 2 आपका एग्ज़ाम लगता है, कंडक्ट किया जाता है RRB के द्वारा। और फिर DV होता है, DV में अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, अच्छे तरह से है, तो आपका फिर मेडिकल फिटनेस भी के लिए आपको भेजा जाता है। अगर चारों प्रोसेस में आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपका एक पैनल आ जाता है, और उस पैनल में आपका फाइनल नाम आ जाता है, तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो और आपकी जॉब लग जाती है। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि आरआरबी जो जेई है, CBT 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाएगा ये आप इसमें हम देखेंगे। तो मैथमेटिक्स से इसमें जो मैथ का क्वेश्चन है, वो आपको 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और CBT 1 में आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाएंगे। और जो जनरल अवेयरनेस है, जीके के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और जो 30 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस के आते हैं। साइंस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, तो साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ये 1.5 घंटे का पेपर होता है। 1.5 घंटे में टाइम भी खूब है, मैनेजमेंट भी अच्छे से होता है। 1.5 घंटे में आपको CBT 1 को क्लियर करना पड़ता है, इसकी सेपरेट कट ऑफ जाती है। तो 30 क्वेश्चन मैथ का आता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, और आपका 15 क्वेश्चन GK का, और 30 क्वेश्चन ही साइंस का आता है। तो ये रही CBT 1 की। अब बात करते हैं CBT 2 का। तो CBT 2 में आपको देखने को मिलेगा कि तो GK के क्वेश्चन है, तो GK के क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन CBT 2 में देखने को मिलेंगे। ये CBT 2 वैसे 2 घंटे का होता है, टाइम भी इसमें अच्छा रहता है, लेकिन इसमें 150 क्वेश्चन रहता है। टाइम मैनेजमेंट इजीली हो जाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे इनफ होते हैं। वैसे 60 क्वेश्चन के लिए, अगर 75 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा देखा जाए, तो ये भी काफ़ी अच्छा टाइम है।
तो 120 मिनट में आपको इसको 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिसमें से आपको जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री के मिलाकर पर्सनली क्वेश्चन आते हैं जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टेक्निकल एबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रामबाण बोले तो इसको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। टेक्निकल एबिलिटी, तो टेक्निकल एबिलिटी में आपको टेक्निकल सब्जेक्टें पढ़नी पड़ती है, इसके लिए आपको या किसी का कोर्स परचेज कर सकते हैं या कैसे भी आप स्टडी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन इसके 100 क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे बहुत बड़ा सिलेबस है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसके, 100 नंबर के टेक्निकल एबिलिटी के। तो ये CBT 2 का सिलेबस था। अब जैसे कि वीडियो के थंबनेल में दिखाया गया था कि इसमें जो कौन कौन से टॉपिक वाइज सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, मैथ में कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, तो इसमें मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपका नंबर सिस्टम आता है, रेशियो प्रोपोर्शन जो कि समानुपात अनुपात होता है, एवरेज के औसत के क्वेश्चन आते हैं, LCM HCF पूछा जाता है, परसेंटेज आपका इसमें पूछा जाता है, इसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस इसमें पूछा जाता है, डिस्काउंट पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी के सवाल पूछे जाते हैं, समय दूरी के, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपको अपना एक सिलेबस एक पेज में लिख के या फिर प्रिंट निकाल के इसको कैसे भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको एक पढ़ते टाइम आपके टेबल पे ये आपका सिलेबस होना चाहिए। जैसे ही एक टॉपिक हो तो आप टॉपिक को टिक कर देना कि मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर उसकी प्रैक्टिस पे लग जाना, इससे क्या है थोड़ा फ्लो बना रहता है। इसके बाद बात करते हैं कि एज बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं मैथ में, मेंसुरेशन यानी कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पूछा जाता है, एलजेब्रा, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी ये सब इसमें पूछे जाते हैं। और बात करते हैं कि रीजनिंग का, रीजनिंग में आपको इसमें सिलेबस देखने को मिलेगा एनालॉजी क्लासिफिकेशन। एनालॉजी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, जैसे चार ऑप्शन दे देंगे आपको, एफ डिफरेंट बताना है, क्लासिफिकेशन करना है इनमें से कौन सा डिफरेंट है, तीनों में से तीन समान है एक अलग है। तो इसके लिए आपको कभी जानवरों के कुछ साइंटिफिक नाम याद करने पड़ते हैं, कभी राजधानियाँ पूछ लेता है, क्योंकि कोई सपोज तीन देश दिया रहता है और एक राजधानी पूछा जाता है, तो ऐसे आपको डिफरेंसेस में बताना पड़ता है। इसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज के क्वेश्चन भी आते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सिलोलिज्म, पैरा जंबलिंग, डाटा सफिशियंसी। इसके अलावा क्लॉक कैलेंडर का आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट जो कथन और तर्क होते हैं ना, मैथमेटिकली रीजनिंग, काउंटिंग एंड फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स जो कि बंद आकृति उसको काट दिया जाता है, पेपर कटिंग फोल्डिंग वो जो मैंने अभी बताया, इसको काट के इसको खोलना पड़ता है और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा आकृति काटने के बाद सही होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें पूछा जाता है। तो ये था दोस्तों इसका रीजनिंग का सिलेबस। अब बात करते हैं कि जीके के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। जीके के सिलेबस में वही जनरली आपको देखने को मिलेगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड एंड ऑनर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे जीके के सिलेबस में, फॉर्मूला। इसके बाद स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, करंट अफेयर भी इसमें एक आध क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि जीके का इतना रोल नहीं रहता, इसमें साइंस का मेन रोल रहता है। और साइंस के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना वो 12th लेवल की इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, काफ़ी ख़तरनाक इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो पूछा जाता है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं, कई कैंडिडेट उनसे साइंस के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं इतना, क्योंकि ये 10+12 अदर एग्जाम में 10th लेवल तक की आती है, लेकिन JEE में 10+2 लेवल की साइंस आती है, तो साइंस को आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर में बात करते हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, नेटवर्किंग, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, MS Word, MS Excel, ये आपको इसमें कंप्यूटर का देखने को मिल जाएगा। और बेसिक इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल में भी आपको ये टॉपिक है, इनको आप या यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, कैसे भी आपके ऊपर है, तो इसमें आपको बेसिक ऑफ
इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा, पोल्यूशन कंट्रोल कैसे होता है, इन्वायरमेंटली पोल्यूशन में क्या क्या होता है, किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, वो कुछ ऑप्शन देते हैं। टाइप ऑफ पोल्यूशन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, एसिड ड्रेन, ओजोन लेयर, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम, ये सब आपका पोल्यूशन वाले उसमें आता है। टेक्निकल एबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका सिलेबस है। तो आपको एग्ज़ाम फिल करते टाइम इसमें पूछा जाता है कि आपने कौन सा ट्रेड चूज़ किया। जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया तो आपको टेक्निकल एबिलिटी में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देख सकते हैं, आस्क्ड फ्रॉम स्पेसिफिक टेक्निकल सब्जेक्ट, तो स्पेसिफिक में आता है कि आपने किस ट्रेड से डिप्लोमा किया या बीटेक किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी आपको इसमें पूछा जाएगा। एक बार इसमें फिर से देख लेते हैं कि आपको कैसा क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो इसमें आपका CBT 1 होगा, इसके बाद CBT 2 होगा। ये दोनों कंडक्ट होने के बाद आपका जो ये पेपर मॉडल CBT 1 ऑनलाइन होता है, CBT 1 होता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, CBT 2 होता है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, CBT 1 होता है जो 90 मिनट का होता है, जबकि CBT 2 आपका होता है वो 2 घंटे का होता है। उसके बाद दोनों क्लियर होने के बाद आपका DV मेडिकल होता है और आपका फाइनल पैनल में नाम आ जाता है। तो यह था दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।